बड़ा मामला। जनपद कानपुर देहात गौरी सुल्तानपुर थाना देवराहट गांव निवासी अरविंद ने कोतवाली मोगनीपुर में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसका भाई प्रमोद उम्र 24 वर्ष अपनी ससुराल कोतवाली मोगनीपुर क्षेत्र के पिपरी गांव निवासी किशोरी लाल के यहाँ गया था, लेकिन जब वह अपने घर वापस नहीं आया तो उसके भाई और परिजनों ने प्रमोद के संबंध में परिचितों व रिश्तेदारी में काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। जिसके बाद पीड़ित भाई अरविंद ने कोतवाली भोगनीपुर में 9 जून को प्रार्थना पत्र देते हुए भाई प्रमोद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं कोतवाली भोगनीपुर इंस्पेक्टर बैजनाथ ने प्रथम प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच के लिए आदेश दिए, लेकिन 1.5 महीने गुजर जाने के बाद भी पीड़ित अरविंद के भाई प्रमोद का कहीं भी सुराग नहीं लग सका, जिसके चलते अरविंद ने भाई के सास ससुर और पत्नी पर अपहरण कर हत्या करवाने के शक में दोबारा कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जब इस संबंध में कोतवाली भोगनीपुर SO बैजनाथ से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि पीड़ित अरविंद की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया है, जांच चल रही है, बहुत ही जल्द इस मामले का खुलासा होगा। कहाँ के रहने वाले हैं? गौरी सुल्तानपुर के। कहाँ पे आए हैं आप? भोगनीपुर कोतवाली। क्या पूरा मामला किस बात को लेकर आए हैं? हम भाई सुल्तानपुर की देने आए थे। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? प्रमोद कुमार। कब गायब हुआ था? 1 जून। 1 जून को गायब हुआ था तो प्रार्थना पर थाने में दिया? प्रार्थना पर थाने में 9 तारीख को दिया गया। दिया था तो रिपोर्ट दर्ज हुई कि नहीं हुई? तो क्यों नहीं दर्ज हुई सर? हम क्या बताएं? तो कई बार थाने आप आ चुके हैं? 2-3 बार आ चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। कितनी उम्र है तुम्हारे भाई की? 24 साल। 24 साल उम्र है और प्रमोद नाम है। और आपने 9 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया था, 9 जून को, लेकिन आपकी अभी तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। तो पूछा नहीं साहब हमारी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज किया आपने? सर आते हैं, चक्कर लगवाते हैं बस। अच्छा, चक्कर कटवा रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी है। रिपोर्ट दर्ज करवानी है।